नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रही है। पहला चरण का चुनाव हो चुका है जो 18 तारीख का था और इसकी जो मतगणना थी वो 20 तारीख को, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा कानूनी पेचीदगी होने के बाद भी ये चुनाव किया जा रहा है, जो कि आपको पता होगा कि जो पिछला चुनाव है वहाँ उस चुनाव को हाई कोर्ट ने स्थगित किया था, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बिहार में चुनाव कराया जा रहा है, तो पहले चरण की चुनाव हो चुका है और जो दूसरे चरण के चुनाव है जिसका वोटिंग 28 तारीख को होना है, और उसके लिए मैं अभी सीतामढ़ी के क्षेत्र में मैं न्यूज कवर करने के लिए आया हूँ। इस समय मैं बरियारपुर में हूँ और आपको वार्ड नंबर 37 में, और आपको बताते चले कि यहाँ जो मेयर के जो प्रत्याशी थे वो 33 प्रत्याशी थे, लेकिन अभी वर्तमान में 30 प्रत्याशी हैं और उप मेयर में 32 प्रत्याशी हैं। तो एक और जो प्रत्याशी है यहाँ पर अमीरी लाल राय, जो वो भी एक मेयर का प्रत्याशी है, जिनका आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने उनका बोर्ड लगा है, जिनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट छाप और उनका क्रम संख्या भी एक है, यानी कि सबसे पहला नंबर का उनका क्रम संख्या है। तो आज मैं उनके क्षेत्र में आया हूँ लोगों का मूड जानने के लिए, लोगों का जो क्या रुझान है, किसके तरफ रुझान है, पार्षद में किसको पसंद करते हैं, उप मेयर में किसको पसंद करते हैं, मेयर में किसको पसंद करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ का जो पब्लिक है मैं उनसे जानता हूँ। सबसे पहले भैया मेरे पास एक नौजवान में उनसे बात करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइएगा। कैसे आपका घर कहाँ हुआ? मोहनपुर में है। और आप यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि सीतामढ़ी में जो नगर निगम बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, नगर निगम का पहला चुनाव है। इससे पहले भी चुनाव का डेट आया था जो कि स्थगित हो गया था और फिर अभी चुनाव हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप वोट करेंगे, अपना वोट डालेंगे, अपना मतदान डालेंगे, किस आधार पर डालेंगे, आपको क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा भी चाहिए और मतलब विकास चाहिए, रोड भी सही चाहिए, नाला भी सही चाहिए। उसके लिए हम लोग है ना अमीर लाल यादव को सपोर्ट करते हैं। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, शिक्षा का मामला जो है वो नगर निगम में नहीं आता है, ठीक है? नगर निगम की जो चुनाव होती है होता है नाली, रास्ता, साफ सफाई, लाइट, बिजली, पानी, इन चीजों को लेकर के नगर निगम का चुनाव होता है। लोग पार्षद के चुनाव में 370 की बातें करने लगते हैं, 3 तलाक की बातें करने लगते हैं, तो जो चीज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जो पहले जो आपका सीतामढ़ी था, पहले नगर परिषद था, अब ये नगर निगम बदला, तो आपको क्या लग रहा है कि नगर परिषद से नगर निगम होने में कुछ सीतामढ़ी का बदलाव हुआ क्या? होगा ना, देखिए कुछ हुआ लग रहा है आपको? होगा होगा होगा, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद विकास होगा। 30 को कैंडिडेट है मेयर में, तो आपका अपना पहला पसंद कौन? अमीर लाल जी। और पार्षद में? पार्षद में आपको अभी मतलब हम लोग उतना अभी राय नहीं लिए हैं। उप मेयर का क्या बताए, उप मेयर का भी उतना मतलब नहीं लिए, यानी कि अभी सिर्फ मेयर का माइंड में है। यहाँ पर और है एक लोग है, तो मैं क्या नाम हूँ आपका? मेरा नाम है शिव शंकर राय। और घर कहाँ हुआ? घर बरियारपुर है, वार्ड नंबर 37 का मैं हूँ, है ना? और वार्ड नगर निगम सीतामढ़ी में जो चुनाव हो रहा है उसमें 46 वार्ड है, जिसमें सभी जनता के सहमति से अमीरी लाल जी को माने इनको भारी मतों से विजय। तो अमीरी लाल जी को ही क्यों पसंद करें? और भी जो 30 कैंडिडेट है उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है? जी नहीं, हम लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, सभी जनता के लिए। जैसे उनके नाम में कहीं पे मैंने देखा मुखिया लगा हुआ है, तो क्या मुखिया थे वो? जी पहले क्या रहते, उन्होंने विकास का कार्य किया था? जी विकास के काम किया था, पूर्व में जैसे मोहनपुर का पश्चिमी से वो मुखिया रह चुके हैं, इसके बाद में बहुत कुछ काम किए हैं, लोग यहाँ को समाज सब देखे हैं, इसका धंधा और कर्म संस्कार ये सब में बहुत जुटे हुए हैं, यानी कि आम जनों से जुड़े हुए, उनका भावना जुड़ा हुआ है, सुख दुख में लोगों का साथ भी देते, यही कहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नंदलाल यादव नाम हुआ, मेरा माधोपुर भीसा घर हुआ। जी तो आपका इस वार्ड में घर नहीं है? वो इस वार्ड में नहीं। और जो सीतामढ़ी नगर परिषद में है? जी, अभी पहले ग्राम पंचायत था, अब वो नगर परिषद में आ गया है, तो
आपने सॉरी नगर निगम जी, आपने प्रश्न किया कि मैं अमीरी लाल को ही वोट क्यों दूं। तो अमीरी लाल राय जो है पूर्व से माने समाज सेवी है, वो मुखिया पद पर आसीन थे, पूरे शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे बीएड कॉलेज हुए, आईटीआई ये सब माने समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अमीरी लाल राय को भारी मतों से विजयी बनाए। और दूसरा कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है? कोई कैंडिडेट नहीं, एक हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एक हमारा जो आपका पूर्व जो यहाँ के एक सभापति है तो बहुत आपने देख रहे कि यहाँ लोगों में एक बड़ा उत्साह है अमीरी लाल के लेकर के, बहुत उनका जो लोगों में उत्साह है, लोगों का कहना कि एक समाज सेवा को उनका भावना है, हर लोगों के सुख दुख में वो साथ देते हैं। तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं, एक बाबा है पान उन खा के बहुत अच्छा से मुँह लाल उल किए हुए हैं। तो क्या नाम हुआ? जागेश्वर राय। तो घर कहाँ हुआ आपका? कल्याणपुर वार्ड नंबर 37। आप क्या कहेंगे, आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम अमीरी लाल राय को पसंद करते हैं। अमीरी लाल राय को आप भी पसंद करते हैं, तो लग रहा है अमीरी लाल जी का बोलबाला बहुत ज्यादा, दूसरा लोगों का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ बीच हमारे बीच एक लग रहे हैं कलाकार जैसा भाई दिख रहे हैं, चश्मा उश्मा पेर करके हैं, तो मेरा जरा इनसे भी बात करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम बाबू पासवान उर्फ रामू रंगीला हुआ। रामू रंगीला, ये तो बड़ा कलाकारी वाला नाम है, जैसे गुड्डू रंगीला, रामू रंगीला। तो गुड्डू रंगीला का भाई है क्या आप? नहीं नहीं, मैं गुड्डू रंगीला का भाई नहीं। तो रंगीला टाइटल कहाँ से आ गया? मैं एक कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ और अनाउंसर भी हूँ। अच्छा। इसी कुल देख करके जनता ने मुझे मेरा नाम रामू रंगीला है रख दिया और उसी दिन से मैं फिल्मों में भी काम किया तो कास्टिंग में रामू रंगीला के नाम से ही आया और हर जगह रामू रंगीला के नाम से जनता जानती है। क्या नाम है? राम प्रताप। कहाँ घर हुआ? आपको एक नंबर। तो इस बार किसको देख रहे हैं मेयर में, किसको पसंद कर रहे हैं आप? अमीरी राय। आप तो नाम भी नहीं बोलने था, केबीसी की तरह तुरंत जवाब दे दिए, अमीरी राय। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में एक इधर इधर आइए, इधर आइए, आप आइए इधर आइए। मैं कौशल महतो। घर कहाँ हुआ? कोट बाजार। कोट बाजार, तो यहाँ क्या कर रहे हो भैया? आई एम मेयर साहब से भेटने मिलने के लिए। मेयर अभी तो मेयर हुए नहीं लेकिन पहले उपाधि दे दी। हो गया मेयर, हो गया। तो देखिए बड़ा मतलब कि लोगों में उत्साह है, चुनाव होना बाद में लेकिन इन लोगों ने पहले उनको मेयर का उपाधि दे दिया है, तो बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैं भी आपको बताते चलूं कि कोट बाजार में मैं भी जब कवर कर रहा था तो अमीरी लाल राय जी का लोग नाम लिए तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं भी आ गया उनके पास में कि देखने के लिए कि भाई कैसा व्यक्ति है जो कहीं बरियारपुर का रहने वाले लेकिन कोट बाजार के लोग शहर का लोग उनको नाम ले रहे हैं। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं मेयर में? ये अमीरी लाल जी को। तो आपका कोट बाजार में घर उधर सुबंश राय भी है, आपका पूर्व सभापति है, तो अमीरी लाल राय बोल काम करना ही है वो। कोई काम का क्यों, सुबंश राय जी काम नहीं किए? कोई काम नहीं। तो बड़ा लंबा लंबा प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं कि लाइट लगा दिए, रोड बना दिए, शहर को स्वर्ग बना दिए। कुछ नहीं किए हैं, स्वर्ग क्या, नर्क बना दिए। नर्क बना दिए, स्वर्ग नहीं बनाए, स्वर्ग नहीं बनाए। तो अमीरी लाल जी मतलब अमीरी लाल जी को आप क्यों पसंद करें, आपका कारण क्या? क्योंकि आपका घर बहुत दूर है और ये बहुत अच्छे आदमी है, जैसे वातावरण का भी अच्छा है, काम किए वैसे। आपके वार्ड में कुछ लोग वहाँ बता रहे थे, हम गए थे कि जो वहाँ कुछ पानी जो था जो सालों से वहाँ पर नरकीय स्थिति बना रहता था, लोगों के घर में नाला का पानी जाता था, आज लोग बात बोल रहे हैं कि कोई जो बरियारपुर का कोई आदमी आके यहाँ पर मट्टी भरवा के देते, तो क्या वो अमीरी लाल जी थे क्या वो? अच्छा, इसलिए आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जितने से पहले वो काम कर दिए तो जितने के बाद भी वो और ज्यादा काम करेंगे। चलिए, तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि जब आदमी किसी पद पे भी नहीं होते हुए भी अगर किसी दूसरे के क्षेत्र में जाके काम करा दिया, तो इस तरह का मैं भी यही कहता हूँ लोगों से कि अगर आप अपने समाज में अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई नेता को चुनते हैं तो ऐसे लोगों को वोट ना दे कि वोट देने के बाद आपको 5 साल पछताना पड़े। दूसरा एक चीज और भी कहूँगा कि खास करके बिहार यूपी में मैं देखता हूँ कि लोग पैसे के लिए भागते हैं, आपका 1,000, 2,000, 5,000 रुपये आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, लेकिन पैसे को मत देखे, अपने बच्चों का भविष्य देखे, अपने समाज का उत्थान देखे। तो मैं यही कहूँगा सही को चुनो और सच्चों को चुनो। नाम है? इधर आइए इधर आइए इधर आइए। हाँ, अजय नाम है। कहाँ घर हुआ? घर बरियारपुर है। बरियारपुर, तो इस बार
30 को कैंडिडेट है मेयर में, पता है कौन कौन लोग है? 30 लोगों के नाम मालूम है? पांच लोगों के नाम किसका किसका जरा बताइएगा भाई, आपको मुझसे सुन। अमेरीलाल गाजी है, सुभाष राय जी है, श्याम नंदन प्रसाद है, विशाल कुमार है, प्रवीण कुमार है, यही सब। इनमें पांच छह नामों में आपका आपका पसंद कौन सा? अमेरीलाल जी पसंद है। तो और लोग पसंद नहीं है? सुभाष राय जी तो कई थे, सभापति भी थे। हमारा सामने में यही पसंद है, हालांकि मुखिया का चुका है तो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि मेयर रह के सीतामढ़ी को संवारेंगे, सजाएंगे और भी अच्छा करेंगे? जी अच्छा करेंगे, अच्छा आदमी है, अच्छा विचार है, मुखिया में अच्छा काम किए हैं, यही बात है। क्या नाम है? संजय शर्मा। और घर? घर हो ग्राम पास बाईपास बस स्टैंड, ये अच्छा पीली को कोठी कहते हैं, उसके आसपास क्या? आसपास। तो यहाँ पर आप घूम रहे हैं? जी आए हुए हैं भेंट करने। भेंट करने क्यों? कैंडिडेट है, भेंट करने आए हुए हैं। कैंडिडेट क्या आपका भी पसंद यही है अमीरी लाल जी? जी। और लोग नहीं पसंद है? जी यही है। अरे ऐसे बोलिएगा तो दूसरा लोगों का तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा। तो नहीं पसंद अपना पसंद है, लेकिन अमीरी लाल जी क्यों पसंद है आपको, क्या कारण है? अच्छे आदमी, अच्छे सोचते हैं। अच्छे। कभी आपको कभी उनसे कोई काम पड़ा, कोई आपका कोई काम करवाया या कोई सहयोग किए पहले? ये बहुत सहयोग है, जैसे कुछ भी कोई छोटा मोटा चीज, जैसे ऐसे आदमी को पसंद नहीं होता। हीरो बहुत है, कोई लोग कहता हमको अमिताभ बच्चन पसंद है, कोई कहता भाई हमको अजय देवगन पसंद है, कोई कहता श्रीदेवी पसंद है, कोई कोई पसंद है, तो पसंद सबका अपना। तो आपका क्या कारण उनका पसंद का? अच्छे छवि के, अच्छे छवि के। तो ये देख लीजिए शहर में अभी, यहाँ तो है लेकिन शहर में भी इनका बोलबाला है। तो चलिए यहाँ पे है और भी, शायद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत जगह से लोग आए हैं और उनका जो अच्छा जो याचक महिला, इधर आइएगा भैया। क्या नाम है? राम जलम जी। घर कहाँ हुआ? चकमहिला। चकमहिला मधुबन, मधुबन वाला रास्ता? मैंने अपना ही हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आप यहाँ आए हैं किस लिए? इसलिए आए हैं जो जात बिरादर है और बहुत ऐसा आदमी है, ठीक है, सब खड़ा है, ठीक है। इससे सबसे सुंदर ये है, धीमा गति परिवार है, हाँ अच्छा आदमी है, मुखिया जी भी अच्छा आदमी है। और जीतेंगे तो आपको लगता है कि सीतामढ़ी में काम होगा, विकास करेंगे पूरा? तो ये जो था लोगों का रुझान है और लोगों में ये बात है। आप आइएगा भैया, क्या नाम हुआ? शंकर कुमार। घर कहाँ हुआ? तो आपको कौन पसंद है? हमको तो अमरी लाल जी पसंद है। दूसरा कोई यार, दूसरा आदमी कोई सुनेगा हमारे चैनल को, लोग देखेगा तो लोग तो सोचेगा यार फालतू में हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूसरा कैंडिडेट लोग का तो दिल बैठ जाएगा ना सुन के कि भाई साहब अमीरी लाल कोई पसंद करे तो हम क्या करेंगे। ये मुखिया रह के भी एक सांसद से ज्यादा काम। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया कि मुखिया रह के सांसद से भी, तो क्या काम के जैसे दो चार काम बताइएगा। पंचायत में ऐसा काम जैसे क्या क्या? क्योंकि पहले तो हम लोग हमारा लाल श्रीमान हो, चाहे सड़क हो, चाहे इंदिरा आवास हो और वृद्धा पेंशन हो। वृद्धा पेंशन इन्होंने इतना किया जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखिए जनता का जनप्रतिनिधि क्या कौन होना चाहिए जो जनता के दिल में बसता हो, उसी को जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनप्रतिनिधि जीत जाता है वो किसी के पास नहीं जाता, जीतला के बाद अगर जाइएगा कार्यक्रम तो कहेगा कि आज छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। लेकिन इनका जो है ये मुखिया रहे, नहीं भी रहे हैं, अभी भी है, ये तो कोरोना काल से लेकर आज तक ये घर घर जाकर सबसे बात किए, दुख सुख जो भी हो ये घर घर जाके मिले हैं, आज भी है, ये घर तक जा के यही सबसे मिलते हैं ये। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखिए सही में कि लोगों में जो एक जो अपना जो रुझान है ना, कि सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना जैसा संकट काल में बहुत ऐसे लोग जो थे अपने घरों में बंद थे। क्या नाम है? अलक सिंह सर। कहाँ घर हुआ? कानपुर। तो बताइए क्या आपका कौन पसंद है? आपका प्लेट। कप प्लेट? अमीरी राय। अमीरी लाल राय कप प्लेट। क्यों कप प्लेट पसंद है भैया? पंचायत यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है, बत्तख भी है, गाड़ी भी है, सभी कुछ में काम करते हैं ना। अच्छा। सुख दुख से समाज में सुख दुख देते हैं, यही बात है। अच्छा, तो ये चलिए ये बहुत बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहा हूँ
कि सबसे नेता ऐसा होना चाहिए जो लोकप्रिय होना चाहिए, और जो जनता के दिल में बसता वही जनप्रतिनिधि होता है, ना कि जनता को परेशान करने वाले जनप्रतिनिधि होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।